अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी क्लासेस टाइम पे ले रहे होंगे, साथ साथ अपने होमवर्क्स बहुत ध्यान से सॉल्व करते होंगे, और जब टीचर कॉल करती हैं तो उन्हें टाइम पे सबमिट करवा देते होंगे। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू ऑल। सो आज हम क्या पढ़ने के लिए आए हैं, मैथ्स पढ़ने के लिए आए हैं। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड टू स्टार्ट स्टडिंग टुडे? I'm sorry. Please take out your books, page number 124, and let's start studying for today. शाबाश, तो अपनी books खोल लीजिए। Very good. मगर साथ साथ मुझे ये बताते चलें कि आप सबके homeworks time पर submit हो रहे हैं। I'm sure जो questions आपको मिलते हैं class में, आप उनके घर में खूब दिल लगा के practice करते हैं, क्योंकि ये maths का subject है and it requires practice. So don't forget to practice these questions at your home. Practice makes a man perfect. So let's start studying for today, question number 3. All right. So page number 124, word problems. Chapter number 5. It takes 3 hours to wash windows on a building. Keh rahe hain yahan ke it takes 3 hours, sirf 3 ghante lagte hain to wash windows on a building. Agar ek building ki windows ko wash kiya jaye to kitna time lagta hai? 3 hours. There are 30 windows. अगर एक बिल्डिंग में there are 30 windows, और यहाँ पे एक estimate दिया हुआ है कि 3 hours लग सकते हैं windows को wash करने में, how many minutes does it take to wash each window? There are 30 windows and approximately उन्होंने बताया है 3 hours लगते हैं. So what we have to do is we have to find out per window कितना time लग रहा है. Very easy. Please take out your notebooks as well so we could start working. All right. Very good. So आइए देखते हैं कि इसका solution में basically हम क्या करने वाले हैं. As you all know, जब भी हम word problem solve करते हैं, what we have to do is we have to make data first. हम data बनाते हैं ताकि इसमें जो important information है वो लिख लें और उसकी मदद से हम आगे solution करें. All right. तो हम सॉल्यूशन में बेसिकली क्या लिखने वाले हैं, टाइम टेकन टू वॉश विंडोज़. अब बेसिकली आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि यहाँ रिसोर्स बुक का एक लिंक मेंशन किया जाएगा. आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, बट यू हैव टू यूज़ योर ओन माइंड एज वेल. ऑलराइट, सो टाइम टेकन टू वॉश विंडोज़ इज इक्वल्स टू 3 hours. टोटल टाइम हमें कितना लगेगा विंडोज़ को वॉश करने के लिए, 3 hours, एंड इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. Total windows are 30. All right. To find the time taken for cleaning each window, we don't know. We have to find per window ko wash karne mein kitna time lagega. 3 hours into minutes. Ab kya kar sakte hain? Ke basically 3 hours ko minutes mein change kar dijiye. 30 multiplied by 60. As you all know, ek ghante mein kitne minutes hote hain? 60 minutes. Very good. To jab bhi hum logon ko hours se minute mein jana hoga, hum kya karenge? 60 se multiply kar denge. हमारे पास क्या आ गया, टोटल मिनट्स 180 मिनट्स. वेरी गुड, देन 180 पर 30. 30 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितने मिनट्स लगेंगे पर विंडो को वॉश करने में. हमने यहाँ पे आवर्स से मिनट्स में इसलिए लेकर आए हैं ताकि, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा है फाइंड योर आंसर्स इन मिनट्स. ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी चेंज आवर्स इनटू मिनट्स ओवर हियर. तो जब आप 180 जो कि हमने मिनट्स में चेंज किया था, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, तो जब डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आंसर ये होगा कि पर विंडो को वॉश करने में सर्टेन मिनट्स लगेंगे. तो जब हमने डिवाइड किया 180 को 30 से, 0 से आप 0 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 times 6 गिव्स अस 18. वेरी गुड, यू गाइज आर वेरी स्मार्ट एज वेल. आई एम श्योर यू नो हाउ टू डिवाइड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि टाइम टेकन टू वॉश ईच विंडो वॉज 6 मिनट्स पर विंडो. वेरी गुड, आई एम श्योर दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व. मेक श्योर टू कॉपी दिस क्वेश्चन विद अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग्स इन योर नोटबुक. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द खैबर मेल अराइव्ड एट कराची एट 11:55 AM. खैबर मेल में आप सब ने सुना होगा, इट्स अ ट्रेन, ये ट्रेन है. ट्रेन में ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है. आई एम श्योर यू गाइज है मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन ट्रेन. आई हैव ट्रैवल्ड इन ट्रेन टू, एंड बहुत मज़ा आता है.
सो इट रीच्ड कराची 1 hour 25 minutes लेट. तो हुआ ये कि कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती हैं, तो क्या हुआ, 1 hour 25 minutes लेट हो गई ट्रेन. वॉट इज़ द शेड्यूल्ड अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन एट कराची. अब ये बताएं कि कितनी देर शेड्यूल के मुताबिक उससे आगे लेट हुई ट्रेन. कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए, शाबाश. उसके बाद आपने क्या करना है, डेटा बनाना है. वेरी गुड. अब आपने डेटा में वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है. ट्रेन अराइव्ड एट 11:55 AM, ट्रेन इतने बजे पहुंची, ट्रेन लेट हो गई 1 hour 25 minutes. ऑलराइट, अब क्या करना है, शेड्यूल्ड अराइवल टाइम लिखना है ट्रेन का. अगर 1 hour 25 minutes लेट हो गई तो शेड्यूलिंग के हिसाब से कितने बजे उसको पहुंच जाना चाहिए था, तो वो टाइम हमें बताना है. सब्ट्रैक्ट करेंगे बेसिकली आवर्स को, 11 - 1 विल गिव अस 10 hours. ऑलराइट, क्योंकि 11:55 AM पे अराइव हुई, इतनी देर लेट हुई, तो हमने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि इतनी देर हम पीछे चले जाएं. ऑलराइट, सो द शेड्यूल्ड अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन एट कराची विल बी 10:30. अगर ट्रेन 11:55 पे पहुंची, हमें क्या करना है, 1 hour 25 minutes सब्ट्रैक्ट कर देने ताकि हम बैक ऑफ करके चले जाएं टाइम पे, जिस टाइम पे ट्रेन को पहुंचना था. ठीक है, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10:30 AM. आई एम सॉरी. वेरी गुड. सो आई एम श्योर दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. And what you have to do is copy these questions in a very neat and clean handwriting in your notebooks and make sure to submit your homework on time. Next two questions aapne apne homework mein bhi solve karne hain and try to focus. Bahut dhyan se dil laga ke questions ko solve kijiyega. Milte hain next class mein. Apna bahut sara khayal rakhein. Khuda hafiz.